हे गाइस, वेलकम बैक टू माय गवर्नमेंट ट्रक चैनल। और मुंबई मेट्रो के वेबसाइट पे TCS ने एक लिंक अपलोड की है, ठीक है। जो लिंक है साइकोमेट्रिक टेस्ट, जो मॉक टेस्ट, ठीक है, साइकोमेट्रिक मॉक टेस्ट। तो आप वो मॉक टेस्ट दे सकते हो, देख सकते हो कि कौन कौन से सेक्शंस है उसमें, क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं आपके साइकोमेट्रिक टेस्ट में, ठीक है। तो वो लिंक जो है मैं आपको बता देता हूँ। डायरेक्टली आप MMRDA की वेबसाइट पे जाओगे, तो रिक्रूटमेंट पे जब जाओगे, एक मिनट में दिखाई देता हूँ आपको, फिर नहीं तो आप पूछोगे कि लिंक कहाँ पे है। या तो ये आप देख सकते हो MMRDA.maharashtra.gov.in, ये मुंबई मेट्रो की जो वेबसाइट है ऑफिशियल। तो उसमें जब आप जाओगे, कहाँ पे जाना है, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा रिक्रूटमेंट का ऑप्शन। ओके, रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हो, तो थोड़ा सा नीचे जाने के बाद ये सबसे पहली जो लिंक है, MMMOCL रिक्रूटमेंट, PAT साइकोमेट्रिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जनवरी 22 से 24 जनवरी तक जो कंडक्ट होने वाला है। तो इसकी मॉक टेस्ट की लिंक यहाँ पे दी गई है, ठीक है। उसको क्या करना है, क्लिक करने के बाद एक नया वेब पेज खुलेगा। ओके, और ये नाम है जॉन स्मिथ, सब्जेक्ट मॉक एग्ज़ाम, सिस्टम नंबर वगैरह यही होगा UI आपका एग्ज़ाम के टाइम में भी, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट होगी, और ये जो लॉगिन आईडी वगैरह आपको दिया जाएगा या एडमिट कार्ड पे होगा। बट यहाँ पे अभी आप मॉक टेस्ट देने वाले हो, तो ज़रूरत नहीं है कि आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाले, जैसा है वैसे रहने दो। डायरेक्टली क्लिक करो किस पे, साइन इन पे, तो ये आपकी मॉक टेस्ट खुल जाएगी। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ है, आप पढ़ सकते हो। बट अभी मैं इस वीडियो में आपको इन डिटेल बताने वाला हूँ कि क्या क्या है मॉक टेस्ट के अंदर, कौन कौन से सेक्शंस हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं, और पूरी डिटेल में जानकारी, ठीक है, और इजी लैंग्वेज में जो कि आपको समझ सके। तो देखते हैं, एक मिनट। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि एक इस मेमोरी टेस्ट, ये इसी का पार्ट है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से देखते हैं कि कितने टेस्ट होंगे आपके यहाँ पे इस मॉक टेस्ट में। 5 टेस्ट का लिखे हैं, ठीक है, 5 टेस्ट जो दिए हैं। टेस्ट 1 जो होगा मेमोरी टेस्ट होगा, मेमोरी टेस्ट। उसके बाद टेस्ट 2 जो होगा इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, टेस्ट 3 जो होगा कंसंट्रेशन टेस्ट होगा, टेस्ट 4 जो होगा फील्ड इंडिपेंडेंस टेस्ट, फील्ड इंडिपेंडेंस टेस्ट होगा टेस्ट नंबर 4। उसके बाद टेस्ट नंबर 5 होगा पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है। तो इतने टेस्ट उन्होंने मॉक टेस्ट में दिए हैं, जो मॉक टेस्ट जो वेबसाइट पे अपलोड हो चुकी है उसकी लिंक। तो उस लिंक में इतने सारे टेस्ट आप दे सकते हो। तो हम स्टार्टिंग से जाएंगे, टेस्ट 1 से जाएंगे मैं डिटेल में, और आपको समझ सकता हूँ उस लैंग्वेज में, आप मैं बताने वाला हूँ इजी वे में, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आप पढ़ लो एक बार। तो टेस्ट 1 में मेमोरी टेस्ट है उसका नाम, टेस्ट 1 का। तो उसमें क्या होगा, तो इस अभी हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट 1 के बारे में। तो सबसे पहले देखिए ऐसे रहेगा, टेस्ट 1 मेमोरी टेस्ट। तो पहले पेज पे आपको इंस्ट्रक्शंस आएंगे, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस पूरे ध्यान से पढ़ लेने का, ठीक है, एग्जाम के टाइम में भी इंस्ट्रक्शन पढ़ लो। टाइम लिमिट रहेगा 4 मिनट, 4 क्वेश्चंस रहेंगे, 4 लिमिट रहेंगे, ठीक है। और नहीं, सॉरी, 6 क्वेश्चंस रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 है, 4 मिनट टाइम दिया जाएगा आपको, और इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ सकते हो। बट यहाँ पे पढ़ो, या बेटर है कि आप वेबसाइट पे साइन इन करके पढ़ लो इंस्ट्रक्शंस। कुछ नहीं है, मैं बताने वाला हूँ इंस्ट्रक्शंस क्या है, मेमोरी टेस्ट में होता क्या है, ये सब कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, तो मैं स्किप करता हूँ। सी, मेमोरी टेस्ट में होता क्या है, आपको एक फिगर दी जाएगी, सबसे पहले आपको एक फिगर दी जाएगी, ठीक है। सपोज़ ये आपकी फिगर है, तो फिगर में आपको क्या क्या दिख रहा है। तो फिगर में पहले तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे SOK, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा सा, ये देखो, ये पहले दिख रहा है SOK। उसके बाद दिख रहा है मुझे DET, उसके बाद दिख रहा है PIR, ठीक है। और ये जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे लिखा है रेलवे स्टेशन को क्या, डार्क डार्क सर्कल क्या है, तो रेलवे स्टेशन इससे डिनोट होता है, ठीक है। तो PIR, DET और SOK रेलवे स्टेशन के नाम है। ये जो छोटी लाइन लिखी है यहाँ पे, मीटर गेज, ये छोटी लाइन है, ये वाली है छोटी लाइन मीटर गेज, और ये वाली है बड़ी लाइन, उसके हम बोलते हैं ब्रॉड गेज। तो इतनी चीज़ें हैं एक फिगर में। तो ये आपको, ये जो फिगर दिया है उन लोगों ने, तो ये फिगर को ध्यान से देखना कि कौन सा स्टेशन कहाँ पे है। SO के ऊपर है, DET यहाँ पे है, और PIR यहाँ पे है, ठीक है। यस ऊपर, मतलब कुछ तो ट्रिक बना के याद रखो, यस मतलब स्काई, स्काई ऊपर, ठीक
ठीक है, DET, D मतलब मिडल में है और P सबसे नीचे में। तो ये आपको ये पहले डिस्प्ले होगा आपके स्क्रीन पे, उसके बाद ऑप्शंस आएंगे। ऑप्शंस कैसे आएंगे, ये वाले रहेंगे आपके ऑप्शंस, ठीक है। तो देखो अभी DET ये ऑप्शंस है, तो DET, D मतलब क्या, मैंने क्या बोला था, D मतलब मिडल वाला था, राइट, याद करो, मतलब याद करने की कोशिश करो कि D कहाँ पे था, मिडल वाला, यहाँ पे लिखा था D, सही है, यहाँ पे लिखा था DET, तो ऑप्शन क्या आएगा, सी। DET को क्या लिखोगे आप, सी, कारण क्योंकि DET कहाँ पे था, सी पॉइंट पे था, सी स्टेशन पे था, राइट। उसके बाद PIR कहाँ पे था, याद है आपको, सबसे लास्ट था PIR, यहाँ पे ए की जगह पे, यहाँ पे था लिखा PIR, आप देख सकते हो इस इमेज में, देखो PIR यहाँ पे, DET यहाँ पे और SOK वहाँ पे। तो देखो PIR की जगह पे क्या आएगा, ए, क्योंकि ए जगह पे PIR था, ठीक है, तो यहाँ पे आप PIR लिखना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद SOK कहाँ पे था, यस मतलब स्काई, स्काई ऊपर था, राइट, तो SOK कहाँ पे आएगा, बी पे, क्योंकि SOK यहाँ पे लिखा था, SOK, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी, बी पोजिशन पे SOK था। तो ये रहे आपके तीन क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन, तीन क्वेश्चंस हुए। क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे बट ये मॉक टेस्ट में 6 ही क्वेश्चंस दिए मेमोरी टेस्ट के, तो इसी फॉर्मेट में रहेगा आपका मेमोरी टेस्ट, राइट, समझा, कुछ प्रॉब्लम डाउट नहीं है। तो सबसे पहले क्या दी जाएगी आपको, फिगर दी जाएगी, फिगर ध्यान से देखना कि कौन सा स्टेशन, कौन सा कुछ भी, हर एक डिटेल में देखना, क्योंकि ये फिगर देखने के लिए आपके पास 1 मिनट रहेगा, आप इस फिगर को 1 मिनट तक देख सकते हो, उसके बाद 1 मिनट होने के बाद डायरेक्टली आपको ये ऑप्शन वाला और फिगर वाला पेज आएगा। तो ये तीन क्वेश्चंस आपको, मतलब जो भी टाइम होगा उस टाइम लिमिट में आपको सॉल्व करना है, 1 मिनट में आपको ये सॉल्व करना है। इसके बाद क्या होगा, ब्रेक टाइम होगा 1 मिनट का, ठीक है, उसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये रहेगा आपका मेमोरी टेस्ट, इस प्रकार टेस्ट 1 तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये डेमो दिया था, उसके बाद उन्होंने मेन टेस्ट कंडक्ट किया था, सपोज़ ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा आपका। तो इस ये क्वेश्चन आपको 1 मिनट तक रहेगा, यहाँ पे ऊपर टाइम लिमिट लिखी आप देख सकते हो, इंस्ट्रक्शन टाइम 1 मिनट तक रहेगा, ये स्क्रीन आपको दिखेगा, तो उस 1 मिनट में आपको देखना है पूरा डिटेल में कि OLW यहाँ पे है, PMK यहाँ पे है, TMP यहाँ पे है, ये मीटर गेज है, ये ब्रॉड गेज है, ठीक है। और उसके बाद जब 1 मिनट के बाद आंसर्स डिस्प्ले होंगे, ऑप्शंस डिस्प्ले होंगे, तो ऑप्शन आपको टिक करने में 1 मिनट रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब आप ऑप्शन में टिक करते हो, सपोज सपोज आप देखो कि ये आपका आंसर, मतलब ये ऑप्शन वाला पेज है, अगर आपने यहाँ पे PIR को ए टिक किया, ठीक है, और SOK को बी टिक किया, टिक करने के बाद आपको नीचे सेव बटन रहेगा, सेव, तो उस सेव पे क्लिक करना है, ठीक है, आपका टाइम ख़त्म होने से पहले उस सेव बटन पे क्लिक करना है, तभी आपके जो आंसर्स रहेंगे वो सेव हो जाएंगे। अगर आपने टाइम ख़त्म होने के पहले वो सेव बटन पे क्लिक नहीं किया तो आप गए काम से, ऑप्शंस वो जो आंसर्स सेव नहीं होंगे। तो ये याद रखना, इम्पोर्टेंट है, सेव बटन पे क्लिक करना, जैसे आप आंसर टिक करते हो तो सेव बटन पे क्लिक करते रहना, ठीक है। तो मेमोरी टेस्ट में समझ आया पूरा डिटेल में। तो दूसरी टेस्ट क्या है, देखो इंटेलिजेंस टेस्ट, दूसरी टेस्ट है इंटेलिजेंस टेस्ट, थर्ड है कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट, फोर्थ फील्ड इंडिपेंडेंस टेस्ट, फिफ्थ है पर्सनल टेस्ट। तो हमारी टेस्ट 1 कंप्लीट हो चुकी है, टेस्ट 2 में देखते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या है। तो ये देखिए, ये है इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए हैं, 1 मिनट है क्वेश्चंस देखने को और आगे वाला 1 मिनट है सॉल्व करने को। तो देखो इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या है आता है, सी, इंटेलिजेंस टेस्ट में आपको 1 2 3 4 5 ऑप्शंस दिए हैं, राइट, देख सकते हो यहाँ पे है 1 2 3 4 5 ऑप्शन, और ये फर्स्ट जो टेबल है ये फिगर वाला है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, ये फर्स्ट अगर हम जोड़ते हैं तो कौन सी डायग्राम जनरेट होती है, कौन सी डायग्राम बनती है, तो ये टिक करना है आपको ऑप्शन में। देखो ये 2 डब्बे अगर हम जोड़ते हैं तो ऑब्वियसली ये डायग्राम बनेगी, तो ये डायग्राम किस में है, फिफ्थ पार्ट में है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 5, जो कि उन लोगों ने टिक करके दिया है, ठीक है, समझा। इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या होगा, ये जो डायग्राम है उसको जोड़ना, तो जोड़ने के बाद कौन सी डायग्राम बनती है वो ऑप्शन में लिखना, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सी, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें भी ये डायग्राम है, इसको जोड़ा, जोड़ने के बाद कौन सी डायग्राम बनेगी,
ये थर्ड नंबर वाली डायग्राम बनेगी, राइट। तो ऑप्शन मतलब आंसर क्या होगा, 3। सिंपल है। तो इस ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा एग्जाम में, ठीक है। ये रहा आपका टेस्ट 2, दैट इज इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में, समझा। फिगर को जोड़ने के बाद कौन सी डायग्राम बनती है वो ऑप्शन में आपको लिखना है, और ऑप्शन में लिखने के बाद, टिक करने के बाद सेव बटन पे क्लिक करना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर। देखिए, तो ये जो फिगर दी है आपको सबसे पहली वाली, इसको जोड़ो। ये जोड़ने के बाद कौन सी बनती है, 1 2 3 4 5। तो इन ऑप्शन में ये 5 ऑप्शन भी है, ये स्क्रीनशॉट लेते वक्त कट गया है। तो ये फिगर जोड़ने के बाद कौन सी फिगर बनती है इन 5 में से, तो ये ऑप्शन में आपको टिक करना है, ठीक है। जो भी होगा वो टिक करना है। वैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको जोड़ने के बाद कौन सी फिगर बनती है उस ऑप्शन को टिक करना है, राइट। चलिए, ये रहा टेस्ट 2 के बारे में, इंटेलिजेंस टेस्ट। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ डाउट होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है। कुछ डाउट होता है तो मुझे नहीं लगता कि मैं इतना अच्छे से समझा रहा हूँ, तो कोई डाउट आएगा आपको टेस्ट 2 टेस्ट 1 के बारे में। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं, टेस्ट 3। तो ये रही आपके टेस्ट 3, जो है ऑब्जर्वेशन टेस्ट। ओके, ऑब्जर्वेशन टेस्ट सबसे इजीएस्ट टेस्ट है, मैं तो बोलता हूँ कि 1 मिनट आपको देखने के लिए दिया जाएगा, और उसके बाद में सॉल्व करने के लिए। तो देखो, ऑब्जर्वेशन टेस्ट में क्या होता है, सभी तो सेम ही दिख रहे हो आपको, तो यही ऑब्जर्व करना है कि कौन सा गलत है इसमें, कौन सा सेम नहीं है, ये आपको इस फिगर में देखना है। तो देखो, बी बी इज़ द रॉन्ग वन, मतलब बाकी सब ए सेम है, ए सी डी ई और एफ, ये सभी एक जैसे है, सिर्फ बी ये वाला अलग है, ठीक है। अलग कहाँ पे है देखो, तो आपको ये देखना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन टेस्ट इसी का नाम है कि आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कहाँ पे गलत है ये। तो यहाँ पे देखो, दिख रहा है आपको 3 2 में, मतलब ये मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, रो 3 कॉलम 2। देखो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ट्रायंगल नहीं है, ये पेंटागॉन है यहाँ पे सेकंड फिगर में। तो ये है गड़बड़ इस बी में, तो ऑप्शन क्या आएगा आपका, करेक्ट आंसर बी, क्योंकि ये सेम नहीं है, बाकी सब ए सी डी ई एफ सेम दिखते हैं, ठीक है। तो यही ये ऑब्जर्वेशन टेस्ट, सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है। वैसे ही दूसरा भी क्वेश्चन दिया है, तो इसमें यफ गलत है, बाकी सब ए बी सी डी ई सेम है, तो यफ गलत है। गलत कहाँ पे है आपको देखना है, ठीक है। ए बी सी डी ई, ये बाकी सब सेम है, तो यफ गलत है। ऑब्जर्वेटरी टेस्ट इजिएस्ट टेस्ट है, सिर्फ आपको देख के आंसर टिक करना है, ठीक है। बट फास्ट देखना है, ऐसे नहीं कि आप आराम आराम से देखो, तो फास्ट देखना, आपको टाइम नहीं होगा आपके पास उतना। तो देखने के बाद सेव बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो टेस्ट नंबर 3 आपको समझ गया, ऑब्जर्वेटरी टेस्ट क्या होता है, ऑब्जर्वेशन टेस्ट। चलिए अभी ये रहे 2 क्वेश्चंस, तो आप आंसर भी दे सकते हो, या आप मॉक टेस्ट में साइन इन करके, मतलब डायरेक्टली साइन इन पे क्लिक करके आप सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। एक्चुअली मैं ये ऑनलाइन भी दिखा सकता था आपको, बट ऑनलाइन में टाइम मैं स्किप नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे वेट करना पड़ता है 1 मिनट का, फिर जाके आंसर करना पड़ता है, फिर ब्रेक टाइम रहता है 1 मिनट का, तो ऑब्वियसली वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तो इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये रहा टेस्ट नंबर 3, और उसके बाद मतलब हर एक टेस्ट के बाद आपको एक समरी आती है, ठीक है, एग्ज़ाम समरी, कि सेक्शन नेम ये था, कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट या कोई भी, तो नंबर ऑफ टेस्ट 2, आंसर 2, नॉट आंसर 2, मार्क फॉर रिव्यू, ये सब कुछ डिटेल आपको आता है हर एक टेस्ट के बाद, ठीक है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि सेव बटन पे क्लिक करना। मैं करके देखा था कि सेव बटन पे क्लिक नहीं किया था, तो नंबर ऑफ आंसर्ड क्वेश्चन मुझे 0 दिखा रहा था, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। टेस्ट नंबर 4 क्या है, फील्ड इंडिपेंडेंस टेस्ट। फील्ड इंडिपेंडेंस टेस्ट में क्या होता है ये देखें, सी मैं डायरेक्टली बताता हूँ आपको, इंस्ट्रक्शंस तो मैंने पढ़ लिए हैं। तो क्या रहता है इसमें, आपको ऊपर जो फिगर दिख रही है, तो वो फिगर ऑप्शन में से किस फिगर में फिट बैठती है, तो वो आपको देखना है और मार्क करना है, समझा। क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या, ऊपर एक फिगर, ये जो फिगर है राइट, ये फिगर ऑप्शन में किस फिगर में फिट बैठती है, वो टिक करना है बस। तो ये 5th नंबर पे टिक कर, फिफ्थ नंबर वाले फिगर में बैठते हैं, कहाँ पे बैठते हैं, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, 5 आंसर करेक्ट होगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये इसका नाम क्या है, फील्ड इंडिपेंडेंस टेस्ट, टेस्ट नंबर 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो,
आई होप कि आपको सभी को क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। आपकी अगर क्लियर नहीं दिख रहा हो तो वीडियो क्वालिटी आप 720 या 1080 पिक्सल कर सकते हो तो क्लियर दिखेगा। क्वेश्चन नंबर टू देखो, ये फिगर है तो ऑप्शन में से किस फिगर में फिट बैठती है ये वाली फिगर, तो ये देखना है आपको। तो ये बैठती है फोर नंबर पे फिट, राइट। ऑप्शन क्या होगा? फोर करेक्ट आंसर होगा, समझा। ये रही आपकी टेस्ट नंबर फोर, इसका नाम है फील्ड इंडिपेंडेंस टेस्ट, ओके। ये समझा। तो अभी तक हमने चार टेस्ट डिस्कस किए, तो चार टेस्ट में कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। अभी ये हर एक टेस्ट के बाद आता है, मैंने जैसे बोला है आपको, ठीक है, समरी आती है। अभी बात करेंगे पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में, टेस्ट नंबर फाइव पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये तो नॉर्मली है टेस्ट, तो आपके विचारों पे ये डिपेंड होता है कि क्या आप थिंकिंग करते हो। क्वेश्चन नंबर वन देखो यहाँ पे, आई लाइक टू वॉच टीम गेम्स, यस ओकेजनली नो, जो भी आपको लगता है वो टिक करना। आई प्रेफर पीपल हु आर रिजर्व, हु आर इन बिटवीन, हु मेक्स फ्रेंड क्विकली। तो जो भी लगता है, जो भी आपकी थिंकिंग है, ये तो आप पे डिपेंड है कि आप क्या आंसर करना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये रही बात पर्सनैलिटी टेस्ट की, पीटी के बारे में, ठीक है। और जो सेकंड टेस्ट, जो सेकंड रिएक्शन टेस्ट जो है, उसी उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो आपके साथ शेयर किया है, तो वो आप देख सकते हो। और वो रिएक्शन टेस्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ कि उसी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि एएलपी का और एसएसबी का जो पेपर हुआ था तो उसमें भी रिएक्शन टेस्ट था, तो ऑब्वियसली उसी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए मैं बोल रहा था आपको, ठीक है। तो ये रहे पाँच टेस्ट, ठीक है। आपको अगर देखना है तो यहाँ पे कंबाइन में है मेरे पास की टेस्ट का नाम, जो आप देख सकते हो। अभी तक हमने पांच टेस्ट डिस्कस किए, मेमोरी टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट, फील्ड इंडिपेंडेंस टेस्ट, पर्सनलिटी टेस्ट। तो आप एमएमआरडी के वेबसाइट में जाके रिक्रूटमेंट पे क्लिक करने के बाद जो पहले लिंक खुलती है, तो वो मॉक टेस्ट है, तो आप उसको दे सकते हो, ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलती रहे। और यही था अपडेट मुंबई मेट्रो में। और टेंशन मत लेना, इजी रहती है मॉक साइकोमेट्रिक टेस्ट, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।